करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2024 थर्सडे एंड आई एम होस्ट आशीष बरुआ। कल रात को एफओएमसी मिनट्स था जहां पे डॉलर एजेस डाउन एज फेड मीटिंग मीट एक्सपेक्टेशंस। सो एज पर द एक्सपेक्टेड लाइंस ही है, ज्यादा कुछ डेविएट हुआ नहीं है, जिसके कारण अभी हल्का सा सॉफ्टनेस दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स करेंटली 103.90। तो कल के दिन में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ था, स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल्स, जहां पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अभी एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल जो इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, एंड उसके बाद उस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करना चाहिए, फॉलो थ्रू करना चाहिए। सो उसके लिए हमें कंफर्मेशंस चाहिए। जीबीपी डॉलर अभी आपका 1.2644, ये जो आपका 1.26 1.2630 का एक रेजिस्टेंस लाइन था, जहां पे कितने दिनों से सिंस आपका 7 फरवरी इट इज ट्राइंग टू क्लोज अबोव द लाइन बट फेल्स। ऊपर में जाते हैं लेकिन क्लोजिंग नीचे आ जाते हैं, ऊपर में जाते हैं फिर नीचे क्लोजिंग आ जाते हैं। अभी ये इट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज देना जरूरी है। कल के दिन में क्लोज दिया है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, बट इसके ऊपर जोन के ऊपर नहीं आया है। सो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ इस रेजिस्टेंस जो रिजेक्शन जोन है, इस जोन के ऊपर क्लोज देना है। जीबीपी आईएनआर ये सिमिलरली यहाँ पे जो आपका 104.75 105.00 is an important resistance zone. इसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है अगर जीबीपी आईएनआर प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ जाना, यानी स्ट्रॉन्ग होना है। तो यहाँ पे वही आप देखोगे 7 फरवरी से प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम दिस जोन, बार बार जा रहा था एंड नीचे आ रहा था, बार बार जा रहा था नीचे आ रहा था। सो दिस इज ए वेरी क्रिटिकल और हाईली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर जीबीपी आईएनआर तो स्ट्रॉन्ग होना है तो इस जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट सम बुलिशनेस इन जीबीपी आईएनआर। अभी आते हैं आपका यूरो डॉलर। यूरो डॉलर करेंटली ट्रेडिंग एट 1.0830। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था 1.0780 से 1.0800, इसके ऊपर कल के दिन में क्लोज दिया हुआ है एंड आज उसके ऊपर फॉलो थ्रू मिल रहा है। सो जैसे ही आपका ये लास्ट हर्डल होगा 20th फरवरी का हाई, व्हिच इज 1.0840, इसके हाई के ऊपर देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो डॉलर ऊपर चले जाए। नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर भी सिमिलरली ये रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही प्राइस क्लोज दे रहा था, आज अभी यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे वही 20 फरवरी का हाई 89.86 है, so to be precise 89.90 को ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो एक अपवर्ड बायस यूरो आईएनआर पे हम देख सकते हैं। अभी डॉलर येन यहाँ पे मींस डेप्रिशिएट वीक होने का कोई सवाल ही नहीं है, बार बार काफी ज्यादा कंसोलिडेशंस हो रहे हैं। वन करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 150.40। सो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव मींस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है जो मिल नहीं रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देना चाहिए एंड देन फॉलो थ्रू चाहिए, तभी ये डॉलर येन पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकते हैं। तब तक यहाँ पे आपको मींस थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
येन आयनर, यहाँ पे हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना था जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है. कंफर्मेशन जरूरी है, तो हमें देखना है कैसे ये बेस आउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं. डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी अभी ये 1.3483 पे है. जैसे कि हमारा जो एक जोन था 1.3350 एंड 1.3550 उसके बीच में ही है. अभी उसके बीच में जब तक कंसोलिडेट करते हैं हमें इंतजार करना पड़ेगा. सो लेट द प्राइस टू कम आउट ऑफ दिस रेंज आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड. देखते हैं क्या होते हैं. $80 में यहाँ पे हमें क्या डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए था. अभी पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है. उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, इस टाइप का एक स्विंग बनाएगा, उस स्विंग को ऊपर की तरफ तोड़ना है. सो अभी बाइंग के लिए बिल्डअप हो रहे हैं लेकिन कॉन्फर्मेशंस मिसिंग है. कॉन्फर्मेशंस हमें चाहिए. डॉलर CNH 7.1880 परसों के दिन, दो दिन पहले जो आपका प्राइम लेंडिंग रेट जो चाइना का है उसको क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स कट किया था, सो दैट मॉर्गेज बायर्स को मींस थोड़ा सा इंसेंटिव्स मिले. लेकिन ये जो इंसेंटिव्स का इंपैक्ट है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना है. मार्केट को देखना है कि इसका इंपैक्ट क्या मार्केट को रिवाइव करने में कामयाब होते हैं. तब तक हमें थोड़ा सा देखना है. अभी फिर वंस अगेन हमें अब देखना है आपका. अभी ये 7.20 इज नॉट दैट मच रिलेवेंट. रेदर हमारा जो रिलेवेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला लेवल जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल मिला है. ये है आपका 7.2310. इसके ऊपर ही थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे और एक चीज जो हमें दिख रहे हैं वो है आपका सपोर्ट जोन. सपोर्ट जोन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहे हैं ये वाला. इसके ऊपर जब तक है तब तक बायसनेस ऊपर की तरफ ही रहने का एक्सपेक्टेशंस है. नेक्स्ट इज योर ब्रेंट क्रूड. ब्रेंट क्रूड जो क्लोज दिया है 83.17 पे काफी स्ट्रेंथ के साथ. लेकिन इमीडिएटली जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है क्या है आपका, आपका 84.50. इस जोन के ऊपर जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक अपवर्ड बायस हमें मिलना थोड़ा मुश्किल है. एंड यहाँ पे आपका नीचे की तरफ ये 81.00 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल. सो जब तक प्राइस इस दोनों जोन के अंदर में है 81 ऑन द लोअर साइड एंड 84.50 ऑन द हायर साइड तब तक ये साइडवेज चॉपी बिहेवियर कर सकते हैं. उसके बाद देखेंगे. नेक्स्ट इज योर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी. ये करेंटली एट 4.313. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था वहीं पे आके अटका हुआ है. FOMC मिनट्स में ज्यादा कुछ नेगेटिव था नहीं, और हालांकि जस्ट इट वाज मीटिंग द मार्केट एक्सपेक्टेशंस. तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी जो रेजिस्टेंस जोन का हायर लेवल है वहीं पे आपके अटका हुआ है. यहाँ पे आप अगर देखोगे एक एम पैटर्न का जैसा एक अंडर फॉर्मेशन से ये अगर नीचे की तरफ तोड़ते हैं देन ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग ऑफ. ये बेसिकली आएगा आपका 16th February का लो व्हिच इज योर 4.2350. इसके नीचे अगर एक क्लोज देते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं तभी जाके कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तब तक हमें देखना है कि ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज नहीं देना चाहिए. यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली ये एक रेजिस्टेंस जोन है. यहाँ पर भी एक एम पैटर्न्स दिख रहे हैं. पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन से बाहर आ गया. ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस था 4.7475 वहीं पे आके टच डाउन करके अभी कंसोलिडेट कर रहा है. अभी देखने लायक ये है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है. डेली प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन है, प्राइस में भी एक एम पैटर्न का एक एक्सपेक्टेशन है. कब होगा, जब ये नीचे की तरफ तोड़ेगा, इस टाइप का एक तभी जाके कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इस टाइप का यानी आपका वही
16 फरवरी के लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं नीचे की तरफ, देन एंड ओनली देन ये एम्पैटर्न कंफर्मेशन होगा। तब तक हमें देखना है कि ये ऊपर की तरफ 4.7374 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अभी आते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी का जो आपका करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 82.9394, यहाँ पे इट्स नॉट गेटिंग अपडेटेड प्रॉपरली 9394। सो यहाँ पे मींस ये बहुत बड़ा एक स्क्वीज कर रहे हैं। क्या उस स्क्वीज है, उसके लिए थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं हम। ऊपर की तरफ ये हो गया एंड नीचे की तरफ अभी ये वाला लेवल आ गया। सो अब देखो एक स्ट्रॉन्ग स्क्वीज आपको दिख रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हाइस को ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं बट बॉटम रिमेंस द सेम। अभी ये जब एक स्क्वीज हो जाएगा उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा। ये ब्रेकआउट क्या ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। ये ब्रेक डाउन नहीं करने का जो मीन्स हमारा एक्सपेक्टेशन है, उसके मेन रीजन क्या है, मेन रीजन यही है कि नीचे की तरफ इनविजिबल हैंड्स आर बाइंग और डिफेंडिंग। ये जब तक डिफेंड करने का जो एक्सपेक्टेशन है और तब जब तक ये फुलफिल होता रहेगा तो ये नीचे की तरफ जाना नहीं चाहिए। अगर वो डिफेंड करना फॉर टाइम बीइंग, उन लोगों का पॉलिसी चेंजेस कुछ आते हैं, इन सच केस एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका नीचे का सपोर्ट। ऊपर की तरफ स्क्वीज ब्रेकआउट अगर होते हैं, इफ इनविजिबल हैंड्स डोंट लेट रूपी टू अप्रिशिएट बिलो 82.80, इन सच केस क्या होगा, ऊपर की तरफ एक सब्सिक्वेंटली आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं कि आज ही होगा या कल होगा, आने वाले दिनों में एक स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अगर होते हैं व्हिच मे टेक डॉलर रुपी टूवर्ड्स 83.15 से 83.20 की तरफ। ये एक हो सकता है आने वाले दिनों में, आज के लिए नहीं। यहाँ पे बेसिकली डॉलर रुपी ट्रेडर्स को काफी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। सो नथिंग मच एज फार एज द डॉलर रुपी इज कंसर्न्ड। रुपी ट्रेडर्स अपना means focus ना कोई इंतजार कीजिए, कंसोलिडेशन के बाद कुछ ना कुछ हो सकते हैं। means कोई भी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं होता है कि वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा या ब्रेक आउट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस ये रूपी एक स्क्वीज हो रहा है। अभी हमें इंतजार करना है कि कितना दिनों तक, कितने महीने तक और कितना समय तक ये कंसोलिडेशन रह सकता है। इसके बाद ही कुछ हमें देखना पड़ेगा। ये कुछ के लिए और कितना दिन, कितना हफ्ता या कितना महीना, ये टाइम विल टेल। टिल दैट टाइम हमें सिर्फ खेलना है तो लोअर लेवल पे बाई करके विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस खेलना है, कंसीडरिंग द सपोर्ट्स गेटिंग प्रोटेक्टेड और डिफेंडेड। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।